नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रेणुका। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रेणुका फूड एंड इंडियन ब्लॉगर में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू और प्याज की सब्ज़ी, साथ ही में बैंगन फ्राई। तो किस तरह से मैं बनाती हूँ वो आप देखिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो आलू लिए हैं, उसको मैं अच्छी तरह से पील कर लूँगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा। यहाँ पे एक प्याज लिए जिसको अच्छी तरह से साफ कर लूँगी। और इसको लंबे प्याज में काट लूँगी। साथ ही मैं आलू को भी मीडियम स्लाइस में काट लूंगी। काटने के बाद इसको अच्छी तरह से मैं वॉश कर लूंगी। अच्छे से वॉश करने के बाद मैं यहाँ पे एक कुकर ले रही हूँ, उसमें आलू और प्याज जो काटा हुआ है उसमें ऐड कर लूँगी। साथ ही मैं इसमें 1.5 गिलास जितना मैं पानी ऐड करूँगी। और नमक ऐड करूँगी। कुकर की लीड बंद करके इसको मैं दूसरे बर्नर पे शिफ्ट कर रही हूँ, और बैंगन फ्राई बनाने के लिए मैं बैंगन को अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। उसे राउंड शेप में काट लूँगी। राउंड शेप में काटने के बाद इसको एक प्लेट में ले लूंगी। अब मैं इसमें सारे मसाले ऐड करूंगी। तो सबसे पहले हल्दी ऐड कर दूंगी, फिर लाल मिर्च पाउडर ऐड करूंगी, धनिया पाउडर ऐड करूंगी, नमक ऐड करूंगी, 2 स्पून जितना मैं बेसन ऐड करूंगी, और इस मसाले को बैंगन में अच्छी तरह से मिला लेना है। अब इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। और यहाँ पे जो है कुकर में 2 विसल हो चुके हैं, तो इसको ओपन कर लूँगी लीड को, और चेक कर लूँगी तो आलू भी अच्छी तरह से मैश नहीं हुआ है और अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है।
इस आलू और प्याज का जो उसको मैं स्टेन कर लूँगी, पानी फेंकूँगी नहीं, पानी को मैं कंटेनर में रखूँगी क्योंकि बाद में उसको यूज़ करूँगी ग्रेवी के लिए। वहाँ पे चावल और दाल मिक्स करके धो के वॉश कर लिया है, उसकी खिचड़ी बनाने के लिए उसी कुकर में मैं धोकर उसी कुकर में ऐड कर लूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अब पानी ऐड करके नमक ऐड कर दूंगी खिचड़ी में, थोड़ा सा ऑयल ऐड करूंगी। कुकर का लीड बंद करके दूसरा गैस पर रख दूंगी। आलू की सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई के अंदर ऑयल ऐड करूंगी। ऑयल को गर्म होने रखूंगी। अब इसमें जीरा ऐड करूंगी। एक तर्ज, दो लविंग, राई ऐड करेंगे। हींग ऐड करेंगे। तेजपत्ता ऐड करेंगे। अच्छी तरह से भून जाए इसमें अब टमाटर और हरी मिर्च ऐड करूंगी। यहाँ पे मैंने एक टमाटर और एक हरी मिर्च ली है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मसाले के लिए हल्दी, लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च, धनिया पाउडर लूंगी। जो बॉइल वाटर था उसी को मैं इसमें ऐड कर दूंगी, जिसका पेस्ट बना के। इसमें ऐड कर लूंगी मसालों को। इस सब्जी में मैं लहसुन और अदरक का यूज़ नहीं करूँगी, ये विदाउट लहसुन और अदरक की सब्जी बनेगी। देखिए कितना अच्छा स्ट्रक्चर आ चुका है। अब इसमें आलू और प्याज जो बॉईल किया था उसको भी ऐड कर दूँगी। जो पानी था उसको भी आप जितना आपको चाहिए उतना पानी डाल सकते हैं, जो बॉईल किया हुआ था उसी को ऐड कर देना है। आप जितने ही गाढ़ी सब्जी करना चाहते हैं उसके हिसाब से गाढ़ी कर सकते हैं, और रसे वाली करनी है तो उसके हिसाब से। अब इसमें हम नमक ऐड कर लेंगे स्वाद अनुसार। उसको मैंने शिफ्ट कर दिया दूसरे बर्नर पर। मैं एक पैन रख दूंगी, फ्राई पैन है। अब इसमें मैं ऑयल ऐड कर दूंगी।
ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा। अब इसमें मैं सारे बैंगन फ्राई करने रख दूंगी। इसको डीप फ्राई नहीं करना है, जो मसाला है उसी के ऊपर स्प्रेड कर दूंगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा। इसको मीडियम फ्लेम पे ही पकने देना है। अब इसको एक एक करके पलट देना है। ये जल ना जाए उसका पूरा ध्यान रखना है। इसको मीडियम से भी लो फ्लेम में इसको पकने देना है। हाई फ्लेम पे ये पूरा जल जाएगा, इसलिए लो फ्लेम पे इसको धीरे धीरे पकने देना है। आलू की सब्जी में और ये जो बैंगन फ्राई है वो भी बन चुके हैं। अब मैं गैस उसको ऑफ कर दूंगी, उसको ढक दूंगी। तो आज का डिनर रेडी हो चुका है। खिचड़ी है, रोटी है, प्याज है, बैंगन फ्राई है, आलू प्याज की सब्जी है। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।